थाने के मुमरा बाईपास की टूटी सड़क इलाके में मचा कोहराम, अनहोनी होने से पहले यातायात हुआ बाधित, सैकड़ों की संख्या में देखने जुटी भीड़ आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस मार्ग से 24 घंटों में हजारों वाहन गुजरते रहते हैं, परंतु करोड़ों की लागत से बनाया मार्ग, प्रशासन की खोल दिया पोल, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हुई सड़क, डराने वाला नजारा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि सड़क टूटने की खबर जैसे ही राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड को मिली, तुरंत विधायक आवाड मुमरा बाईपास की टूटे हुए महामार्ग पर पहुंचकर सड़क का जायजा लिया और सड़क निर्माण संबंधित विभाग को इसका जिम्मेदार ठहराया। मंत्री आवाड ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुमरा से सारापुरी की रिपोर्ट। और इसके ऊपर जिन ऑफिसरों ने काम पे ध्यान देने का उनका जिनका काम था उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि काम एकदम थर्ड ग्रेड हुआ है। सकाळी आलो, निकृष्ट दर्जाचं काम कसं असतं याचं हे उत्तम उदाहरण आहे। ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचं सगळं दिसतंय। एक खाली बघितलं तर रस्ता दिसतोय। हे जे काम ताबडतोब PWD ने सुरू केलं पाहिजे। मी गेल्या 6 वर्ष मागणी करतोय, 6 वर्ष कि ह्या रस्त्याला टोल लावा। टोल लावण्याचा फायदा आम्हाला नव्हता, होता काय की अहमदाबादकडे किंवा नाशिककडे जाणारे जे रस्ते आहेत, जे 3 रस्ते आहेत त्याच्या 2 रस्त्यांवरती टोल आहे, या एकाच रस्त्यावरती टोल नाही। त्यामुळे ट्रकवाले तो टोल वाचवायला सगळे ट्रकवाले इथे जातात। कल 12 बजे मैंने सबको बुलाया है जगह पे आके वो इसका जायजा लेंगे। मुझे लगता है कि ये रोड बंद कर देना चाहिए और फिर से एक बार नया रोड करना चाहिए। और ये जो पत्रा है वो जो नीचे, तो मैंने देख बार बार बोल रहा हूँ कि पत्रा कोटिंग कह रहे हैं उसे। हाँ, वो जो भी क्या कह रहे हैं छुपाने के लिए मुझे मालूम नहीं, लेकिन आई बीम के सिवा ये रुक ही नहीं सकता।